वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एसपीएमसी एलकैक इंपॉर्टेंट यूनिट इंडिया सिक्योरिटी प्रेस आईएसपी नासिक रोड का तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आ गया है। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जब भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर आया था, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर नोटिफिकेशन दिया था और मैं आप लोगों को बोला था जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसका ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, इन सब चीज़ का बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन करूंगा। एडवर्टाइज नंबर 01/2023 और इसका सबसे पहले एक्टिविटी और टेंटेटिव डेट का बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन डेट भी आप लोग को टेंटेटिवली बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई 2023 से शुरू होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगा 16 अगस्त 2023 और पेमेंट उसी तारीख से उसी तारीख का बीच में पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट होगा अक्टूबर से नवंबर 2023 में, मतलब अक्टूबर का लास्ट वीक और अदरवाइज नवंबर का फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जामिनेशन हो सकता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट आप लोग का कब तक रिजल्ट आ सकता है, दिसंबर का लास्ट महीने में, अदरवाइज जनवरी 2024 में। इसका बाद देखिए वैकेंसी और पोस्ट का बारे में मैं पहले भी आप लोग के लिए बताया था। वेलफेयर ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट है 1, जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल के लिए 41 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए 41 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो के लिए 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए 4 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन सीएचडी के लिए 5 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के लिए 1, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 1, वेल्डर के लिए 1, फिटर के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 सीट है। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट 108। इसका बाद देखिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन कर देता हूँ। वेलफेयर ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट, अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 30 इयर्स और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट में जो आईटीआई स्टूडेंट एलिजिबल है इसका अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट 25 इयर्स। इसका बाद ओबीसी स्टूडेंट को 3 साल का और एससी एसटी स्टूडेंट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं कैटेगरी और रिलैक्सेशन इन एज, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में पता चलेगा। वेलफेयर ऑफिसर के लिए डिग्री डिप्लोमा कोर्स आप लोग का होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए। उसका साथ आप लोग का मराठी लैंग्वेज में एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, मराठी लैंग्वेज आना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर या पर्सनल ऑफिसर या एचआर एग्जीक्यूटिव आप लोग का होना चाहिए। बाकी जितना भी टेक्नीशियन का पोस्ट है उसके लिए मराठी लैंग्वेज मैंडेटरी नहीं है। और किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल में देखिए और जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में देखिए, जिसमें 41 सीट है। इसके लिए आप लोग का फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, जैसे आप देखिए एनसीबीटी एससीबीटी दोनों एलिजिबल है। इसका बाद लिथो ऑफसेट मिंडर लेटर प्रेस मशीन मिंडर ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट मेकिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग इतना सारा ट्रेड। इसका बाद हैंड कंपोजिंग प्लेट मेकर कम कंपोजिट इतना सारा ट्रेड एलिजिबल है। और डिप्लोमा अगर आप लोग का प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। दोनों पोस्ट के लिए बोला है। जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो के लिए आप लोगों का फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीबीटी और एससीबीटी से, एनग्रेवर या प्लेट मेकर ट्रेड से। जूनियर टेक्नीशियन स्टोर के लिए आप लोग का फिटर ट्रेड से आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी दोनों चलेगा। सीएचडी के लिए भी फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए। टनर के लिए आप लोग का आईटीआई एनसीबीटी एससीबीटी टनर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट मशीनिस्ट ग्राइंडर से होना चाहिए, इसमें सिर्फ मशीनिस्ट ग्राइंडर एलिजिबल है। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर में वेल्डर ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए इसमें 3 पोस्ट है। सबसे पहले देखिए जूनियर टेक्नीशियन सीएचडी, जूनियर टेक्नीशियन स्टोर, इन 2 पोस्ट और जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए जो स्पेशल पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट में फिटर स्टूडेंट एलिजिबल है। एससीबीटी एनसीबीटी दोनों में एलिजिबल है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इसमें नहीं बोला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग को प्रोबेशन के बारे में बताया जा रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिलेक्ट होने के बाद 1 साल आप लोग को प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। मैक्सिमम जगह में रखा जाता है, जहाँ पर मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी 1 साल का प्रोबेशन था, तो वो जस्ट आप लोग का कुछ कंडीशन रखा जाता है। एकोमोडेशन आप लोग को इसमें से क्वार्टर दिया जाएगा। इसका बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, वेलफेयर ऑफिसर के लिए कुछ बॉन्ड है। इसका बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, आप देखिए वेलफेयर ऑफिसर के लिए इसमें आप लोग को बोल रहे हैं सिलेक्शन आप लोग का ऑनलाइन होगा, ओके। और आप लोग का टोटल 5 सब्जेक्ट रहेगा, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज से जितना भी आप लोग को दिया है इनसे, और इसमें से 72 क्वेश्चन रहेगा, 72 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस
इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सभी से 12-12 करके क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप लोग का 48 क्वेश्चन रहेगा और इसमें से 12-12 मार्क्स टोटल रहेगा। टोटल 120 में एग्जामिनेशन होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट का टाइम रहेगा, 2 घंटा टाइम रहेगा। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन का देखिए, जितना भी आईटी ट्रेड का इसमें एग्जामिनेशन होगा, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसमें आप लोग का ट्रेड से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 90। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब में 15-15 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबका मार्क्स 15-15 रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों का उसमें सही होगा, तो नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए, आप लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी कैटेगरी 50%, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स स्कोर आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद तो अलग से जो आप लोग का होता है कट ऑफ होता है वो आप लोग का होगा। सेंटर नासिक, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, एमएमआर, दिल्ली, एनसीआर, भोपाल, हैदराबाद, कोलकाता, मेन मेन सिटी में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऑल इंडिया बेस आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद जो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, तो वो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन के जस्ट इसमें प्रोसीजर बताया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं ऑलरेडी शायद डिस्कशन कर दिया, लास्ट तक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट आप लोग डिग्री का स्पेसिफिकेशन दिया गया और कुछ नहीं। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन का डिस्कशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।